गुड मॉर्निंग बच्चों आइए आज हम चार अक्षरों वाले शब्द जानें इन शब्दों को जानने से पहले आइए एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी में हमें क्या देखने को मिलेगा चार अक्षरों वाले शब्द हमारी कहानी का नाम है उबटन मलकर कसरत कर आइए कहानी जाने एक सुंदर उपवन था एक सुंदर उपवन था उपवन के पास एक बड़ा मैदान था वहां एक घना बरगद का पेड़ था कौन सा पेड़ था बरगद का पेड़ था बरगद के नीचे एक पहलवान करवट लेकर सो रहा था क्या लेकर सो रहा था करवट लेकर सो रहा था पास ही कुछ बच्चे कसरत कर रहे थे कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कसरत कर रहे थे वे उबटन मलकर कसरत कर रहे थे वे अपने बदन पर क्या मल रहे थे उबटन उबटन मलकर कसरत कर रहे थे कसरत के बाद उन बच्चों को फल वाले ने शरबत दिया क्या दिया शरबत दिया फल वाला अचकन पहने खड़ा था क्या पहने खड़ा था अचकन पहने खड़ा था तभी वहाँ एक टम आया तभी वहाँ एक टम आया टम वाला मलमल मल के कपड़े दिखाने लगा टम वाला कैसे कपड़े दिखाने लगा मलमल मल के कपड़े दिखाने लगा तभी टम वाले ने कुछ बच्चों को पत्थर चलाते देखा अरे यह क्या कुछ गड़बड़ है ये नटखट बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चे अजगर पर पत्थर मार रहे थे पर एक बच्ची को पत्थर से चोट लग गई क्या लग गई चोट लग गई तभी तन्मय अपने घर सरपट भाग कर जाता है मलहम लेकर आता है और बच्ची के चोट पर लगा देता है तो बच्चों इस कहानी में हमें चार अक्षरों वाले कई सारे शब्द देखने को मिलते हैं आइए एक बार फिर से उन शब्दों को देखें जिनमें कितने अक्षर हैं जिनमें चार अक्षर हैं पहले हमें एक शब्द मिला व न उपवन 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 ब र करवट करवट तनमय तन्मय सरपट सरपट कसरत कसरत मल मलकर उबटन उबटन शरबत शरबत अचकन अचकन टम 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 मल गर, अजगर अजगर गडबड गडबड नट खट नटखट म ल ह मलहम तो इस तरह से हमें इस कहानी में कई चार अक्षरों वाले शब्द सीखने को मिलते हैं बरगद उपवन तन्मय सरपट करवट कसरत शरबत अचकन उबटन मलकर टमटम मलमल अजगर गड़बड़ मलहम, नटखट तो बच्चों आपको इस कहानी को अपने शब्दों में कहना है और साथ ही इसमें आए हुए सभी चार अक्षरों वाले शब्दों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है थैंक यू